पर पता नहीं कितनी देर और, पर तकलीफ उनको है। और मैं यही कहूँगी कि उनको प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, उनके फैंस हैं, उनका खुद का इपटा परिवार है, उनका अपना बेटा वहाँ बैठा है। अभी 3 दिन पहले हमने उनकी बहुत बढ़िया सालगिरह मनाई थी और तब हंगल साहब कुर्सी पे बैठे थे 3 दिन पहले। आज वो हंगल साहब लग ही नहीं रहे। 3 दिन पहले मैंने उनसे कहा आप 100 साल पूरा करेंगे, तो उन्होंने बोला होगा 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 और अपने बच्चे को भी आशीर्वाद दिया। आज मुझे लग रहा है कि उन्होंने शायद हार मान ली है, फिर भी वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ईश्वर से मैं यही कहूँगी कि जो जो होना है उन्हें तकलीफ ना दें। उनके फैन को क्या सलाह देना चाहिए? उनके फ़ैन को यही कहूँगी कि जैसे उस व्यक्ति ने बिल्कुल एक सामान्य, उनमें कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट थे, तो उन्होंने हमेशा मुझे भी ये कहा था कि कभी भी अपनी चादर से ज़्यादा पैर मत फैलाओ, 3 फोन मत रखो, साधारण जीवन जियो, ज़िंदगी से प्यार करो पर पैसों से इतना प्यार नहीं करो। तो वो हमारे घर के बगल में जिसको कहते हैं कि धर्मवीर भारती का एक नॉवल था बंद गली का आखिरी मकान, उस कोने में एक इतना बड़ा आदमी रहता है, ये शायद हिंदुस्तान के लोगों को मालूम नहीं। बड़े लोग बड़ी जगह में रहकर ही नहीं होते हैं, बड़े लोग छोटी जगह में रहकर भी अपना बड़प्पन छोड़ जाते हैं। उन्होंने बहुत कुछ युवा पीढ़ी के लिए छोड़ा है कि जीवन में ज़िंदगी की लड़ाई अपने उसूलों से लड़ो, अपने विचारों से लड़ो और इस देश को जिसमें इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस किया है, छोटे मोटे जेल में गए हैं, उस देश को संभालो। फालतू के आंदोलन मत करो, फालतू के कम्युनल राइट्स मत करो, फालतू में अपने ही लोगों को ना इधर उधर मारते फिरो, पर इस देश को जिनको इन लोगों ने आज़ादी दिलाई उसको संभाल के रखो। यही उनका एक मैसेज है। थैंक यू। उनके